हेलो नमस्कार, मैं कपिल जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो लास्ट टाइम मैंने एक टाइगर का वीडियो डाला था जिसमें मेरे फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने बहुत कंप्लेंट की थी कि उन्हें टाइगर नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। तो उन्हीं के लिए लाया हूं मैं एक टाइगर के ऊपर एक नया वीडियो, और इसमें आपको उत्तराखंड में जो भी टाइगर और लेपर्ड पाए जाते हैं तो वो आपको दिखेंगे कि कैसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एंजॉय करो। और इस वीडियो में बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत गाँव गया, दूर दूर गया, जंगलों गया इस वीडियो को कलेक्ट करने के लिए। तो मेरे साथ इन्हीं जंगलों से एक छोटा टाइगर का बच्चा भी लाया हूँ मैं पकड़ के, तो ये भी आज मेरे साथ लाइव। तो देखिए, वीडियो देखिए पूरा। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट वीडियो, इसमें ये जो आपको दिख रहा है लेपर्ड है, और ये है अल्मोड़ा जिले के दरहाट का। तो दोस्तों, ये है दूसरा वीडियो, इसमें भी आपको लेपर्ड यानी तेंदुआ ही दिखेगा। और तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ गया था जिसे गाँव वालों ने नीचे से घेर लिया था, और वो चिल्लाने लगे तो वो डर के एकदम से कूदा और वो बहुत तेज़ी से भागा। ये भी अल्मोड़ा जिले का ही है, और इसमें जो लेपर्ड है वो पहले वाले के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, ये है सबसे ख़ास वीडियो, क्योंकि इसमें जो दिख रहा है वही होता है बाघ जो गांव में पाया जाता है। ये नैनीताल ज़िले के रामनगर का वीडियो है, इसमें तीन तीन बाघ एक साथ दिख रहे हैं, और यही होता है असली बंगाल टाइगर जो उत्तराखंड में पाया जाता है। ये वीडियो है अल्मोड़ा ज़िले के कलछिप गांव का, जिसमें एक लेपर्ड ने एक डॉगी पर अटैक किया, लेकिन डॉगी के मालिक ने उसको एंड वक्त पर बचा लिया। ये वीडियो है नैनीताल का, अक्सर जब भी आप उत्तराखंड की ओर जाएंगे तो रामनगर और नैनीताल की साइड आपको ऐसे लेपर्ड या बाघ ऐसे रास्ते में चलते हुए दिख सकते हैं।